राजी नहीं होते तो बाजीगरी का जमीन नहीं होता जी। हाँ, ये हर चीज है कहा और आदमी मंदिर तो 5,500 है वृंदावन में जी। आप किसी को भी देख लोगे आपको कई साल ले जाएंगे लेकिन नैचुरल बाजीगरी में नहीं बनते। कटिया स्थान में आज भी कोई लाइट नहीं है, कोई नीचे आपको फर्श नहीं मिलेगा नाती वाला आज भी। और भटके में जो पानी से एक मुए का बात है, ये चीज है प्राचीन भगवान के समय सिविलाइजेशन किसी का नहीं, किसी को देख लो अपने मन किसी को भी नहीं। यही दुर्गा देवी धाम है सारे वृंदावन। जैसे हम बोलते हैं कि वृंदावन आ रहे हैं, वृंदा तो तुलसी जी को बोला जाता है, ये सारा पहले तुलसी और ये तुलसी का वन था इसलिए वृंदावन। अभी कुछ मुवादियों ने पैसे वालों ने हरामियों ने हमने सोने को जी बाकी जहाजी की ही कृपा है, उसकी कृपा जिसमें होगा उसका बिना पार होगा पूरा उसको भेज देगा। मथुरा गोकुल महाबल में, अच्छा मथुरा गोकुल महाबल ये सुंदर नगर मनाली है, सारे बिहारी होगा। और इनका वृंदा का श्री कृष्ण से क्या संबंध है, इस बारे में क्या कथा है, इसको थोड़ा सा बताइए आप। वृंदा का हाँ मतलब जैसे जी भगवान दास कर रहे हैं ना वीडियो जी, ये वन है जी, भगवान का पूरे दिन खुला रहता है, ये निजी में किसी को खोल लेना जी। शाम को 6 बजे उनका रास का टाइम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसमें एक चेकी भी अंदर चली जाएगी, वो इस बार हो जाएगी उसमें न दातन है न कपड़े है न कुछ है, सब इंतजार इसको लाते हैं। ये माँ सावन कहाँ से आ जाता है पूछता है जी, इसलिए आपको सिद्ध हो गए भगवान दास चले। बहुत अच्छा बात करके आपसे लगा, बहुत बहुत मैन चीज बता दिया जी।